हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं बन रहे क्वेश्चनों की, जो कि पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट ये अब आपका आ रहा है। इस सेकंड पार्ट में हम बन रहे क्वेश्चनों की बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं बन लाइनर, उनके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, बने रहिए चैनल पर। सो गाइस, कोई भी एग्जाम सही, 74 शिक्षक भर्ती परीक्षा सही, कोई भी टीचर परीक्षा सही, यूपी टेट, सी टेट या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें साइकोलॉजी आती है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बाल्यावस्था के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो कितनी होती है, तो वो 6 से 12 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक होता है तो बाह्य केंद्रित बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है, तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है वो खेल एवं क्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, तो वो सामूहिक प्रकृति होनी चाहिए। बाल्यावस्था में समूह बना के जो खेलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से, जो उसके सहपाठी होते हैं, साथ के होते हैं, तो उन सभी में संपर्क वो रखना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो सामूहिकता की भावना, क्योंकि बाल्यावस्था में समूह बनाकर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ सामूहिक मतलब भावना उत्पन्न होती है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये इसकी क्या है विशिष्टताएँ हैं, मतलब बाल्यावस्था की विशेषताएँ। और बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, तो वो होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों का विकास होता है तो 16 वर्ष तक, मतलब 16 वर्ष तक की आयु तक हड्डियों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है, तो इसको किशोरावस्था कहा जाता है, मतलब किशोरावस्था की जो आयु होती है 12 से 18 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व किशोरावस्था होती है, तो 12 से 16 वर्ष को पूर्व किशोरावस्था कहते हैं, और उत्तर किशोरावस्था होती है वो 17 से 19 वर्ष होती है। तो गाइस, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं इस चीज़ को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े दबाव तनाव तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है कहा जाता है, तो ये डेफिनेशन किसने दी है, तो स्टेनल हॉल ने ये डेफिनेशन दी है। तो स्टेनल हॉल ने जो कहा था, वो कहा था कि दबाव तनाव और तूफान की संघर्ष की अवस्था रहती है कौन, किशोरावस्था। तो ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहती है स्टेनल हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है, तो वो पूर्व किशोरावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं, तो वो अधिक उग्र होते हैं, मतलब जो संवेग होते हैं जल्दी ही किशोरावस्था में उत्तेजना आ जाती है, तो वो अधिक उग्र होते हैं, मतलब अगर गुस्सा आएगी तो एकदम आ जाएगी, अगर शांत रहेगा तो एकदम, तो वो सब चीज़ें उग्र की अवस्था मानी जाती है, इसलिए संघर्ष और तूफान की अवस्था उसने स्टेन हॉल ने बोला है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों की वर्तमान की शक्ति और भाव आशा को प्रस्तुत करता है, मतलब ये डेफिनेशन किसकी है, तो ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है। अब मोस्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सिंपल दे देगा आपको, ये डेफिनेशन दे देगा किसकी डेफिनेशन है, नीचे चार मनोवैज्ञानिकों के नाम दे देंगे, उनमें क्रो एंड क्रो भी होगा, तो आपको क्रो एंड क्रो पर टिक करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो वो परिवर्तन है, क्योंकि किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन व्यक्ति में होते हैं, चाहे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, बहुत सारे संवेगों में परिवर्तन, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं जो किशोरावस्था में होते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें, जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं तो उन सभी को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उनको अच्छे मार्क्स आ सकें, उन सभी का लाभ हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तियों तथा संवेदनशीलता अवलोकन प्रत्यक्षीकरण स्मृति ध्यान कल्पना चिंतन बुद्धि तर्क आदि में वृद्धि होती है, तो ये क्या कहते हैं इसमें मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में ये सारी चीज़ें का विकास हो जाता है। सो गाइस, वीडियो कैसी लग रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक जरूर करें, जिससे कि आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियो लेके आ पाऊँ मैं। और एक लाइक करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलती है उससे। और इसका मैं पार्ट फर्स्ट पहले डाल चुका हूँ, ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है। और मॉर्निंग टाइम में आपको डेली आपको एक साइकोलॉजी की वीडियो मिल जाएगी, जिससे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो निरंतरता का सिद्धांत, तो ये निरंतरता का सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपका है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि जब पूर्व बाल्यावस्था में होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जैसे कि आप लोग भी अपने फैमिली वगैरह में देखते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, वहाँ पर टॉय वगैरह मांगते हैं, उनसे क्या करते हैं खेलते हैं। तो खिलौनों की आयु किसको कहा है, पूर्व बाल्यावस्था से। उसके बाद में जैसे ही पूर्व बाल्यावस्था से बढ़ता है तो व्यक्ति को स्कूल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आप लोग सिखाने लग जाते हो, तो इस तरीके से होता है। और विकास का अर्थ है, मतलब विकास का अर्थ क्या है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। मतलब विकास का अर्थ समझो कि आप एकदम परिपक्वता आनी चाहिए और अनुभव के फलस्वरूप, और वो स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। तो परिवर्तन एकदम सॉलिड होना चाहिए उसका, ये नहीं है कि अभी कुछ चीज़ सीखा या कोई चीज़ संज्ञान में आई उसके बाद तुरंत भूल गया, तो ये विकास नहीं माना जाएगा। और विकास रहता है जो एकदम, और विकास की डेफिनेशन बताइए, वो बूढ़ावस्था से लेके गर्भावस्था से लेके और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं बाल्यावस्था, जिसमें सर्व गर्व भावना ये सब चीज़ें आती हैं ना, तो ये उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती हैं उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता नहीं है वो चिंतन प्रक्रिया नहीं है। चिंतन ज़्यादा मतलब शैशवा जो अवस्था होती है उसमें व्यक्ति ज़्यादा चिंतन नहीं करता, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था होती है वो होती है 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास और वृद्धि कब पता चलेगी, किस कब हो रही है नहीं हो रही, तो आकार, उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, छोटा बच्चा था बड़ा हो जाए तो लगेगा विकास हो रहा है। सोच, जैसे पहले सोच पाता था कम तो अब ज़्यादा सोचने लगा, अच्छा सोचने लग गया, तो ये विकास हो गया। समझ, समझना तो पहले थोड़ी समझ कम थी अब समझ ज़्यादा हो गई, तो कौशलों में वृद्धि होती है, ETC कौशलों में इनमें वृद्धि हो जाती है, तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि विकास और वृद्धि में बच्चे में परिवर्तन हो रहा है, तो यही परिवर्तन होते हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, तो ये बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो जो प्रोजेक्ट विधि है वो बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, पूर्व बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, तीनों में काम करती है। इसका बहुत ही अच्छा रोल रहता है प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग द्वारा, जिससे कि वह लॉन्ग टाइम तक सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है, तो सिरस्थ सिद्धांत क्या है, इसमें सिर से लेके पांव तक, तो सिर से पैर की ओर होता है विकास, मतलब सिर से सिर की ओर से पैर की ओर तक विकास होता है, मतलब सिर से पैर तक का विकास होता है, उसे सिरस्थ सिद्धांत कहते हैं। तो बहुत डिस्टर्बड क्वेश्चन हो जाता है, तो ये चीज़ें। सो गाइस, वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं,
और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। सो गाइस, हमने बता दिया है कि अभी मॉर्निंग टाइम में हम मनोविज्ञान की वीडियो लेके आ रहे हैं और आफ्टर सम टाइम हम प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो लेके आएंगे, उसका टाइम डिफाइन कर देंगे आप लोगों की। और आप लोगों की अगर टाइम भी थोड़ा सा चेंज करना है तो आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। सो गाइस, कमेंट करना ना भूलें, जो भी प्रॉब्लम है तो उसकी हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।